हेलो एवरीवन। तो पत्र लेखन को हम डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम परिपत्र को कवर करेंगे। परिपत्र क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। परिपत्र का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी समस्त संबंधित कार्यालयों या विभागों को उपलब्ध करानी होती है। प्रायः इस तरह की नोटिस आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित और प्रसारित की जाती है। जैसे कि यदि शासन स्तर पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जाता है और शासन अपेक्षा करता है कि उक्त नीतिगत निर्णय की जानकारी समस्त विभागों को हो, तो इस स्थिति में परिपत्र के माध्यम से ही संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। संक्षेप में, जब हम कोई शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप या ज्ञाप एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार परिपत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप अथवा ज्ञापन तीनों रूपों में लिखा जा सकता है। सभी राज्य सरकारों को शासकीय पत्र भेजना अथवा कोई कार्यालय ज्ञाप भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजना परिपत्र के अंतर्गत आएगा, तो ये सर्कुलर पत्र होता है। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञापन किसी मंत्रालय के सभी अनुभागों, अधिकारियों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के नाम भेजा जा रहा हो तो वो भी परिपत्र ही कहलाएगा। परिपत्र और आदेश में क्या अंतर है? परिपत्र जो है, इसका उद्देश्य कि वो सूचना देना होता है, लेकिन किसी प्रकार के उत्तर की अनिवार्यता अपेक्षा नहीं की जाती है, जबकि आदेश में उत्तर की अपेक्षा की जा सकती है। सामान्यतः कई परिस्थितियों में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आदेश, निर्देश या सूचना जब एक साथ बहुत से या समस्त विभागों या अधिकारियों को प्रसारित करनी हो, यदि किसी विषय पर विभिन्न या अनेक यानी अनेक अधिकारियों की राय प्रकट करनी हो। परिपत्र का प्रयोग प्रायः केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों या विभागों, सरकार द्वारा अपनी अधीनस्थ सरकार, अधिकारियों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एक साथ ही लिए गए निर्णय से अवगत कराने के लिए किया जाता है। तो परिपत्र में कई प्रमुख मुख्य बिंदु का उल्लेख होता है, जैसे कि परिपत्र के आरंभ में, पत्र के मध्य भाग में, परिपत्र संचारित या जारीकर्ता मंत्रालय या कार्यालय के नाम का उल्लेख किया जाता है। दूसरा, परिपत्र में दूसरे क्रम में परिपत्र का क्रमांक बाईं तरफ कार्यालय या विभाग के उल्लेख के नीचे ही अंकित किया जाता है। तीसरा बिंदु है, तीसरे स्तर पर परिपत्र का संक्षिप्त विषय दिया जाना उचित है। चौथा, परिपत्र की विषय सामग्री सुगठित और प्रवाहपूर्ण हो। पांचवा, परिपत्र का विषय न केवल संक्षिप्त अपितु अपने आप में सारगर्भित हो। छठवा, परिपत्र में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। सातवा बिंदु है, परिपत्र जिन कार्यालयों एवं व्यक्तियों को जारी किया गया हो उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए। और सबसे आखिरी बिंदु है, परिपत्र में प्रेषिती के स्थान पर अनेक प्राप्तकर्ताओं का उल्लेख किया जा सकता है। जब प्रेषिती के स्थान पर ही अनेक प्राप्तकर्ताओं का उल्लेख कर दिया जाएगा तो पृष्ठांकन की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए प्रारूप देख लीजिए इसका। परिपत्र का क्या प्रारूप है? यह है परिपत्र का फॉर्मेट। मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देनी है, CIG मार्ग, नई दिल्ली। यहाँ पे संख्या होना चाहिए 9, ब्रैकेट में 2-1/64। उसके बाद यहाँ पे दिनांक होना चाहिए। उसके बाद पत्र, परिपत्र करके, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कॉमा श्रम विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या, यहाँ पे पत्र संख्या ए, दिनांक यहाँ पे उल्लिखित आदेशों के अनुसरण में श्री या श्रीमती या कुमारी जो भी वहाँ पे यूज होनी हो यहाँ पे लगा के, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक इतना, रुपए के वेतनमान में इतना, वेतनमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कौमा नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए संयुक्त निदेशक प्रशासन का। और नीचे प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित जिस जिस विभाग में जानी है, जैसे कि सभी क्षेत्रीय निदेशक ची दिल्ली या संयुक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल नई दिल्ली, परियोजना अधिकारी परिवार कल्याण परियोजना नई दिल्ली, उसके बाद प्रभारी संयुक्त निदेशक उप क्षेत्रीय कार्यालय पूना, नागपुर, मदुरै, कोयटम्बूर, कोयम्बटूर,
सॉरी कोयम्बटूर। उसके बाद सभी प्रधान अधिकारी, मुख्यालय के सभी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक वित्त या उपनिदेशक वित्त, सहायक निदेशक वित्त, फिर मुख्यालय की सभी शाखाएं, गार्ड फाइल अतिरिक्त, इतनी गार्ड फाइल अतिरिक्त प्रतियां, तो इतने सारे विभागों में भेजा जा सकता है ये। तो ये सर्कुलर पत्र होता है, कई विभागों में भेजा जा सकता है। तो इससे आप प्रारूप देखने के बाद आते हैं अब उदाहरण पे। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि परिपत्र कैसे लिखा जाता है। तो प्रारूप के आधार पे ही पहले परिपत्र शासकीय पत्र के रूप में ये होता है। परिपत्र जो है शासकीय पत्र के रूप में, भारत सरकार खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, यहाँ पे पत्र संख्या, उसके बाद प्रेषक जो कि पत्र लिख रहा है, त उप सचिव भारत सरकार, उसके बाद सेवा में जिसको पत्र भेजनी है जिसके नाम पे, वो है समस्त राज्य सरकारें नई दिल्ली 2, यहाँ पे दिनांक जो भी दिनांक हो 16 अगस्त 2020 है। अब इसके बाद यहाँ पे विषय होना चाहिए जिस विषय पे आपको ये पत्र परिपत्र लिखना है, चीनी स्टॉक के संबंध में, ठीक है। आपके विषय के बाद आप अंदर इसमें क्या लिख सकते हैं तो वो चीज़ आप देख लीजिए। भाषा का ध्यान दीजिए, महोदय कॉमा और कॉमा डैश ऑब्लिक, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान देनी है। उसके बाद महोदय करके अपने मैटर को लिखें। मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि देश में चीनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ये निश्चय किया है कि चीनी बहुल राज्यों में सरकारों द्वारा चीनी स्टॉक की जाए। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा तथा स्टॉक के संबंध में विस्तृत सूचना शीघ्र ही भेज दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बात खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ और आपको ऐड करनी हो तो उसके बाद नंबर 2 करके लिखना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको 1 नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में आपको अपना मैटर लिखना है, अपनी बातें लिखनी है। उसके बाद मैटर आपका यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद कुछ और अलग से बोलना है तो अपना पैराग्राफ चेंज करके नंबर 2 करके आगे की बातों को लिखी जाए। तो नंबर 2, इस संबंध में आपको कार्यवाही करें उसकी और चीनी स्टॉक की प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक मंत्रालय को भेजते रहें, ठीक है। कॉमा बीच में है तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भवदीय लिखा जाता है, जैसे कि शासकीय पत्र में भवदीय का होता है, भवदीय तथा द उप सचिव भारत सरकार, ठीक है। यहाँ पे आपका पत्र जो है वो खत्म होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लीजिए। पत्रांक ये 7/22, फिर डैश /20, नियुक्ति प्रेषक, प्रेषक जो है जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, श्री अब स विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, और किसको भेजना है, सेवा में पहला समस्त सचिव कौमा उत्तर प्रदेश शासन, दूसरा समस्त विभागाध्यक्ष कौमा उत्तर प्रदेश, तीसरा समस्त जिला मजिस्ट्रेट कौमा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन इन विभागों को भेजनी है, फिर अपना स्थान लखनऊ, उसके बाद यहाँ पे आप डेट मेंशन करें, उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना विषय लिखें, विषय आपका जो भी हो, अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रावधान संबंधी नियुक्ति प्रभाग, ठीक है। उसके बाद खड़ी पाई, उसके बाद महोदय करके आपको अपना बात यहाँ पे लिखना है कॉमा देने के बाद। तो भाषा को देख लीजिए। मुझे आपका ध्यान विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तथा उनकी दशा सुधारने हेतु समय समय पर जारी किए गए शासनादेशों की ओर आकृष्ट कराते हुए ये कहने का निर्देश हुआ है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शासन ने निश्चित किया है कि संबंधित शासनादेशों को क्रियान्वित करने के लिए जो अधिकारी उत्तरदायी हैं उनके चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि देते समय इस संबंध में किए गए प्रयासों का भी आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तो यहाँ से ये एक बात आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको लगे कि कुछ और भी लिखना है या फिर किसी विभाग का वो मेंशन करना है तो नंबर 2 करके पैराग्राफ चेंज करके नंबर 2 करके उक्त आदेश सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों तथा अन्य अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा। उसके बाद हस्ताक्षर अवश्य विशेष सचिव, यहाँ पे ऊपर जो आपने पत्र संख्या पत्रांक लिखा था वही पत्रांक यहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद प्रतिलिपि, जिस जिस विभाग में ये पत्र जानी है, समस्त सचिवालय विभाग, सचिव लोक सेवा आयोग कौमा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उसके बाद अवश्य संयुक्त सचिव, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। फॉर्मेट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पत्रांक संख्या, संख्या यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्रेषक, अब स विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उसके बाद जिसको भेजनी है, तो विभाग का अगर ढेर सारा नाम हो तो आप 1 2 करके इस चीज़ों को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। पहला समस्त सचिव, फिर कौमा उत्तर प्रदेश शासन। दूसरा समस्त विभागाध्यक्ष, कौमा उत्तर प्रदेश। तीसरा समस्त जिला मजिस्ट्रेट, कौमा उत्तर प्रदेश। लखनऊ, दिनांक जो भी हो आपका वो मेंशन करें, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद अपना विषय, विषय पे ही सारा होता है। विषय को बहुत ही संक्षिप्त रूप में, छोटे में ही आपका समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मैटर है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं उनकी दशा सुधारने संबंधी संबंधी शासनादेश, तो ये आपका एक हेडिंग की तरह होता है, ठीक है। विषय देख लिया आपने क्या है। अब इस विषय पे आप कौन सी भाषा यूज़ कर सकते हैं, महोदय करके शुरू हो जाइए लिखना। मुझे आपका ध्यान विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनकी दशा सुधारने संबंधी समय समय पर जारी किए गए शासनादेश की ओर आकृष्ट कराते हुए ये कहने का निर्देश हुआ है कि ध्यान दीजिए कि ये कहने का निर्देश हुआ है, ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि शासकीय पत्र में भी यूज़ हुआ था, तो ये कहने का निर्देश हुआ है, इन बात का प्रयोग करना चाहिए इन लाइन का, कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन हो और अधिकारियों द्वारा इस दशा में किए गए कार्य का उचित मूल्यांकन हो सके। शासन ने ये निश्चय किया है कि सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को पूरा कराने एवं तद विषयक विभिन्न शासनादेशों को कार्यान्वित कराने के लिए जो भी अधिकारी उत्तरदायी हैं, उसके बाद कौमा, ठीक है, कौमा, फिर उनकी चरित्र पंजिका में उच्च अधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि देते समय, कौमा, अन्य बातों के अतिरिक्त इस दशा में किए गए उनके प्रयासों का भी आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना भवदीय लिख करके हस्ताक्षर विशेष सचिव का। विशेष सचिव किसके लिए? विशेष सचिव जो प्रेषक है जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, भवदीय करके उसी का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए। संख्या बिल्कुल यही होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, फिर प्रेषक जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, फिर किसको भेजनी है, सेवा में समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। लखनऊ, दिनांक यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, अपने राइट में यहाँ पे दिनांक होना चाहिए, और पत्र संख्या आपके सबसे ऊपर से लेफ्ट में, ठीक है, परिपत्र में। विषय, विषय क्या है, विषय को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हाईलाइट किया जाता है, राज्य सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये जब टॉपिक हो, ये हो आपका सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट पे आप क्या लिख सकते हैं अंदर, तो वो आप देख लीजिए। महोदय, कौमा, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि नियुक्ति ख विभाग के उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 367-2A67/2020/2020, कौमा, दिनांक 30 मार्च, 2020, डेट और मंथ के बाद भी कॉमा दिया जाता है, उसके बाद ईयर लिखा जाता है, के अंतर्गत ये निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रशासन में कुशलता बनाए रखने के लिए योग्यता का जो न्यूनतम मापक नियत किया जाए वो सभी उम्मीदवारों के लिए समान होना चाहिए, ठीक है। एक तो लाइन आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको कुछ और लिखना है, पैराग्राफ चेंज करिए और 2 नंबर डालिए। हाल ही में ये प्रश्न विचारार्थ आया था कि क्या पूर्वोक्त आदेशों में दी गई सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुरूप है या नहीं, ठीक है, यह आपका प्रश्नमार्क। ये अनुभव किया गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुरूप नहीं है, अतः शासन ने ये निर्णय लिया है कि भविष्य में सीधी भर्ती के मामले में, चाहे वो परीक्षा द्वारा हो या अन्यथा, यदि आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मापदंड के आधार पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अन्य समुदायों को चुना जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य ना पाए जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड
थर्ड नंबर डाल के आगे की बात को कंप्लीट करिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि श्रेणी थर्ड व फोर्थ की अप्रवाहिदिक और अर्ध प्राविधिक सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति नियुक्ति के लिए इन जातियों के अभ्यर्थी मापदंड शिथिल करने के उपरांत भी उपलब्ध न हो तो उनमें से ऐसे सर्वोत्तम अभ्यर्थियों का चयन करें जिनमें भर्ती के नोटिस व विज्ञापन में दिए गए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है। इन अभ्यर्थियों को उस न्यूनतम मानक तक लाने के लिए आवश्यक हो सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनके अपने ही कार्यालयों में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद परिवीक्षाधीन रखा जाएगा और परिवीक्षा संबंधी नियम या आदेश उन पर लागू होंगे। ठीक है, आपने बात कंप्लीट कर ली और तीन हेडिंग में किया, आपने तीन बार पैराग्राफ अपने अपने जो भी बात हो उसको करके आप पैराग्राफ चेंज करिए, नंबर डालिए, उसके बाद बात को कंप्लीट करने के बाद भाव दिए और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है हस्ताक्षर मुख्य सचिव। ठीक है, फिर ऊपर जो पत्रांक था, जो संख्या था, उसी संख्या को अपने लेफ्ट यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिति, तो फिर किसको किसको भेजना है, सचिवालय के समस्त विभाग, राज्यपाल के सचिव, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश आज्ञा से। ठीक है, फिर आयुक्त एवं सचिव। तो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब ये लास्ट फाइव एग्जाम्पल देख लीजिए। परिपत्र ज्ञापन के रूप में, ठीक है, ये परिपत्र जो है ये ज्ञापन के रूप में, पत्रांक संख्या यहाँ पे बिल्कुल बीच में होना चाहिए, उसके बाद उसके ठीक नीचे यहाँ पे अपना विभाग का नाम, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लखनऊ कौमा दिनांक इतना, ठीक है, 16 अप्रैल 2020। उसके बाद इस मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए खोले गए चिकित्सालयों तथा गत वर्ष में उनसे लाभ उठाने वाले रोगियों का विवरण जानकारी के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज, इस विवरण से ये स्पष्ट है कि इस समय 36 चिकित्सालय खुले हुए हैं जिनमें से गत वर्ष में 2,350 रोगियों की चिकित्सा की गई है। ठीक है, तो ये ज्ञापन रूप में था। ठीक है, ज्ञापन के रूप में ये परिपत्र था, तो ये कुछ इस विधि से लिखा जाता है। उसके बाद हस्ताक्षर यरल, उसके बाद जो भी जिसके द्वारा ये हो रहा है लिखा जा रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर, उप सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, उसके बाद प्रतिलिपि सभी मंत्रालयों तथा संलग्न कर्मचारियों को प्रेषित। तो ये आपका ज्ञापन के रूप में था। इसी तरीके से कार्यालय ज्ञाप के रूप में देख लीजिए उदाहरण, परिपत्र जो है ये क्या कार्यालय ज्ञाप के रूप में है, यहाँ पे पत्र संख्या होना चाहिए, संख्या संख्या करके यहाँ पे अपना संख्या लिख दीजिए। उसके बाद विभाग भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली 2 दिनांक 18 मई 2020। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दीजिए कार्यालय ज्ञाप, उसके बाद अपना विषय रखिए, विषय जो भी हो, जैसे यहाँ पे विषय है भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों या विभागों के अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके अपनी बातों को कंप्लीट करिए। तो भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों या विभागों के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण देने के संदर्भ में ये मामला काफ़ी समय से विचाराधीन था कि उन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जो अहिंदी भाषी राज्यों से संबद्ध है। ठीक है, उसके बाद अपना हस्ताक्षर, अपना सॉरी अपना हस्ताक्षर नहीं, जो प्रेषित का यरल सचिव भारत सरकार। ठीक है, जिसके द्वारा ये पत्र जो है भेजा जा रहा है। उसके बाद नीचे सेवा में करके जिसको भेजना है भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों या विभागों के संबंधित अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी। ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है परिपत्र। इसके बाद नेक्स्ट हम परिपत्र के बाद हम डिस्कस करेंगे विज्ञप्ति को। तो विज्ञप्ति क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों लिखी जाती है, किस किस विभाग को जाती है, कैसा पत्र है ये। तो सरकार की किसी योजना
कार्य परियोजना के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना जो है वो विज्ञप्ति कहलाती है। इसका प्रयोग नियुक्तियों, छुट्टियों, स्थानांतरणों, साक्षात्कार, अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, भूमि प्राप्ति इत्यादि को राजपत्रित करने तथा विधि विधायनों, अधिनियम और आदेश को प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार की विज्ञप्तियाँ सर्वसाधारण के सूचनार्थ होती हैं। इन्हें तृतीय पुरुष की भाषा में अप्रत्यक्ष अनुकथन के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। इसका संबोधन किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को किसी भी दशा में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर है? विज्ञप्ति जो है इसका प्रयोग नियुक्तियों, छुट्टियों, स्थानांतरण, साक्षात्कार, अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, भूमि प्राप्ति एसेट्रा को राजपत्रित करने और विधि विधायनों, अधिनियम और आदेश को प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। जबकि प्रेस विज्ञप्ति जो होता है ये अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस के लिए विधिवत पत्र के रूप में प्रकाशित की जाती है। कभी-कभी ये गजट में भी प्रकाशित किया जाता है। तो विज्ञप्ति के ये प्रारूप हैं, इस तरीके से फॉर्मेट होता है विज्ञप्ति का। यहाँ पे सरकार जो विभाग है यहाँ पे लिखेंगे, संख्या यहाँ पे लिखी जाती है, तो अपने यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे सरकार, फिर विभाग, संख्या उसके नीच में बीच में इधर, और संख्या के नीचे दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद विज्ञप्ति करके अपनी बात लिखनी है कि कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, इतना दिनांक से, जितने भी दिनांक से काम हो रहा है, सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक श्री, फिर श्री के बाद यहाँ पे के स्थान पर जो प्रत्यावर्तित किए गए हैं, विभाग के स्थानापन्न अधीक्षक नियुक्त हुए। उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर करना है, यर अलग का जो भी नाम अगर है तो नाम भी, नहीं तो नाम नहीं है तो इसी तरीके से लिखा जाता है क ख ग। उसके बाद जो है मुख्य सचिव का। तो ये है विज्ञप्ति के प्रारूप। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्मेट होता है विज्ञप्ति का, और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि क्या चीज़ें कहाँ लिखनी है। तो आइए विज्ञप्ति पे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सरकार लिखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद संख्या यहाँ पे लखनऊ, दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद विज्ञप्ति नीचे बीच में यहाँ पे विज्ञप्ति हेडिंग दे करके अपना बात कंप्लीट करना है। मुख्यमंत्री कौमा उत्तर प्रदेश को शासन के विभिन्न विभागों में विश्वस्त सूत्रों से ये बात स्पष्ट हुई है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पद हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये निर्णय करके सभी विभागाध्यक्षों तथा सचिवों को रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, और 6 माह के अंदर रिक्त पदों के बारे में सभी विभागाध्यक्षों तथा सचिवों को शासन की मंशा के अनुरूप कितने पद भरे गए हैं इसे शासन को अवगत कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना विज्ञप्ति आपने लिख दिया। उसके बाद इधर आकर के राइट में अपने इधर हस्ताक्षर होगा जो कि मुख्य सचिव का, अब बस मुख्य सचिव। उसके बाद नीचे फिर वही संख्या लिखेंगे जो कि संख्या आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये वही संख्या यहाँ पे नीचे लिखेंगे अपने लेफ्ट में, तद दिनांक। ठीक, उसके बाद प्रतिलिपि। उपयुक्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इसे अपने समाचार पत्र के समाचार स्तंभ में, ये समाचार स्तंभ में पत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये आपका प्रतिलिपि हो गया। उसके बाद समाचार संपादक, जिस जिस समाचार संपादक को करनी है, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ, दैनिक जागरण लखनऊ, अमर उजाला लखनऊ, तो ये समाचार संपादक का हेडिंग डाल करके अपना जो भी समाचार संपादक उनको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने राइट से आज्ञा से हस्ताक्षर अवश्य संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव जो कि आपका प्रेषित ही था। ठीक है, मुख्य सचिव यहाँ पे संयुक्त सचिव होगा, और यहाँ पे हस्ताक्षर में मुख्य सचिव। तो ये था विज्ञप्ति, और इसी का सेकंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन विभाग कार्मिक अनुभाग 4, यहाँ पे संख्या लिखेंगे TC2 का, ये संख्या 4-2020 लखनऊ, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, फिर विज्ञप्ति करके विज्ञप्ति अपना यहाँ पे लिख देंगे। भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल श्री क ख ग ग्राम त थ द थाना च छ ज जनपद प फ ब उत्तर प्रदेश पिन श ह श को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
सदस्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज और ब्रैकेट में इलाहाबाद, क्योंकि पहले ये इलाहाबाद ही था, को रिक्त पद पर सहर्ष नियुक्त करते रहें। ठीक है, सहर्ष नियुक्त करते हैं। तो इसके बाद इधर आज्ञा से अपर मुख्य सचिव, यह रहा अपर मुख्य सचिव। उसके बाद फिर संख्या जो ऊपर लिखा था वही संख्या यहाँ पर लिखना है, तदिनांक, फिर प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। पहला, महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद, कोषाधिकारी प्रयागराज इलाहाबाद, निदेशक मुद्रण एवं सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद को प्रश्नगत विज्ञप्ति राजकीय गजट में प्रकाशित करने के साथ प्रेषित। उसके बाद श्री क ख ग ग्राम तथद थाना चौछजा जनपद फ प फ उत्तर प्रदेश, पिन इतना। ठीक है, तो ये आपका प्रतिलिपि हो गया, जिस जिस विभाग में जहाँ जहाँ जानी है ये प्रतिलिपि कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने राइट यहाँ पे आज्ञा से हस्ताक्षर, जो भी ये विशेष सचिव का। ठीक है, यहाँ पे अपर मुख्य सचिव, यहाँ पे विशेष सचिव। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देख लीजिए विज्ञप्ति का। कार्यालय, जैसे कि यहाँ पे विभाग होना चाहिए, यहाँ पे संख्या होना चाहिए, तो विभाग आपका है यहाँ पे क्या, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दिनांक यहाँ पे, यहाँ पे स्थान, विज्ञप्ति करके अपना विज्ञप्ति लिखनी है यहाँ पे। और भाषा पे ध्यान दीजिए, आयोग के विज्ञापन संख्या इतना, दिनांक 21/4/2020 के द्वारा विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 एवं सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संदर्भ में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 11 अक्टूबर 2020 रविवार। ठीक है, अपना दिन लिखना है आपको, तो ब्रैकेट में करके वो दिन लिख सकते हैं, सोमवार रविवार जो भी है, को दो शर्तों में पूर्वार्ध 9:30 से 11:30 तक एवं अपरिहार्य 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर प्रदेश के 19 जनपदों यथा आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी व मथुरा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो ये विज्ञप्ति हो गया, यहाँ पे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो है यहाँ पे ये परीक्षा नियंत्रक का होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला, तो कई प्रकार से आपने देखा कि कई प्रकार से पत्र हैं विज्ञप्ति के, फॉर्मेट वही होगा, बस चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपना मुद्दे के अनुसार चेंज होता है। तो ये है अगला एग्जाम्पल विज्ञप्ति का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। उसके बाद यहाँ पे पत्रांक लिखेंगे, फिर दिनांक, उसके बाद विज्ञप्ति। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा विषय का पैनल दिनांक 8 सितंबर 2020 को बोर्ड द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर लें, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया गया है तो आप नहीं करेंगे विज्ञप्ति में। तो इस पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची बोर्ड द्वारा आज दिनांक 23/9/2020 को जारी कर दिया गया है, जो चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upseessb.org ऑर्गेनाइजेशन पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर अपना आवंटन देख सकते हैं। ठीक है, बात कंप्लीट करने के बाद अपना हस्ताक्षर जो है ये उप सचिव का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जो कि आपने यहाँ पे विभाग लिखा था वही विभाग जो है ये वाला यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अलग अलग एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि फॉर्मेट वही है, आपके मुद्दे के अनुसार चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही है। अगला, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या इतना। ठीक है, स्थान, दिनांक 7 अक्टूबर 2020। ठीक है, फिर विज्ञप्ति,
आयोग के विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के द्वारा विज्ञापित सहायक वन संरक्षण एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से 29 अक्टूबर 2020 प्रयागराज जनपद फिर ब्रैकेट में जिला कोड 03 लोक सेवा आयोग कार्यालय के भूमितल स्थित परीक्षा भवन में प्रथम सत्र 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे 12:30 अपर्याह्न तक एवं द्वितीय सत्र जो है वो 2 बजे अपर्याह्न से 5 बजे अपर्याह्न तक फिर ब्रैकेट में केवल सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 9:30 पूर्वाह्न से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक तथा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 2:30 बजे अपर्याय से 4:30 बजे अपर्याय तक ठीक है अपराह तक संपन्न होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट http ठीक है upsc.up.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्रक तथा अनुदेश डाउनलोड करेंगे तथा उपस्थिति पत्रक में यथा स्थान फोटो चस्पाकर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होंगे ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर एवं फोटो मुद्रित नहीं है वे अपने 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ साथ लाएंगे ठीक है। उसके बाद ये विज्ञप्ति लिखने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर जो है सचिव का क ख ग सचिव। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लीजिए लोक कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या यहाँ पे लिखेंगे 02 अति गोपन 222-21 प्रयागराज दिनांक कितना 1 अक्टूबर 2020 विज्ञप्ति खंड के बाद विज्ञप्ति खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 16,126 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि परीक्षा में कुल 23,18,152 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में चयन हेतु कुल पदों की संख्या 309 है। प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर कुल 309 रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु कुल 4,591 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन या परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। संबंध में जो है पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। प्रस्तर 2 महिला आरक्षण के संबंध में प्रश्नगत परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित विशेष अपील संख्या इतना 382/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो चीज़ है पहले तो अपनी बात को आपने विज्ञप्ति करके लिख दिया है उसके बाद आपको कुछ और भी लाइनें जोड़नी है तो आप प्रस्तर 2 करके प्रस्तर 2 प्रस्तर 3 इस तरीके से करके लिखना है ठीक है। तो प्रस्तर 3 प्रश्नगत परिणाम से संबंधित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे तथा इसकी सूचना तत्समय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही उन पर विचार किया जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका विज्ञप्ति उसके बाद हस्ताक्षर जो है ये सचिव का होगा ठीक यरला सचिव। तो ये आपके विज्ञप्ति भी खत्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आगे टिप्पर को भी डिस्कस करेंगे ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।